जी अस्सलाम वालेकुम। लैब नंबर 7 के अंदर आज जो है वो हम साउंड और इमेज मैनिपुलेशन इन मैटलैब देखेंगे। तो साउंड एंड इमेज मैनिपुलेशन इन मैटलैब क्या कहती है ये लैब 7 और लैब 7 टास्क जो फाइल में मैंने अपलोड भी कर दी हैं, अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन ब्लर है या स्मॉल छोटी नज़र आ रही है तो आप जो है वो वहाँ से डाउनलोड करके अपनी स्क्रीन पर साथ साथ खोल सकते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या सीन है लैब सेशन 7 के अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके टास्क की तरफ जाएंगे। एन एनालॉग सिग्नल इनपुट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एन एनालॉग सिग्नल इनपुट टू द साउंड कार्ड इज सैंपल्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय साउंड सॉफ्टवेयर सच एज साउंड रिकॉर्डर। कोई भी आवाज़ जो हम जो है वो जब डिजिटली कन्वर्ट होती है या किसी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होती है तो पहले जो है वो एनालॉग साउंड जो है वो डिजिटलाइज की जाती है, फिर सॉफ्टवेयर में जो है वो रिकॉर्ड होती है। स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेसरीज एंटरटेनमेंट, इधर अगर आप जाएंगे एज पर इट्स डिफॉल्ट सैम्पलिंग पैरामीटर द सिग्नल इज सेव्ड एज डॉट वेव फाइल। अगर आप स्टार्ट में जाके एंटरटेनमेंट में जाके साउंड रिकॉर्डर ऑन करेंगे अपनी विंडोज़ का और वहाँ कोई साउंड अगर आप रिकॉर्ड करके सेव करें तो वो नॉर्मली डॉट वेव फॉर्मेट के अंदर साउंड जो है वो रिकॉर्ड होता है। दिस फाइल कैन देन बी रिट्रीव्ड इन मैटलैब एंड प्ले बैक यूजिंग द ऑडियो रीड कमांड। जो फाइल आप रिकॉर्ड करेंगे ये मैटलैब के अंदर ऑडियो रीड की कमांड से इस फाइल को रीड भी किया जा सकता है। टू प्ले अ डॉट वेव फाइल और टू प्ले अ वेक्टर इन मैटलैब वी यूज द प्ले कमांड। अब मैटलैब में हर चीज़ वेक्टर्स की फॉर्म में, मैट्रिसेस की फॉर्म में है, तो ये साउंड है ये भी मैट्रिस की फॉर्म में ही वहाँ पर सेव हुआ होगा। तो मैटलैब के अंदर कोई भी साउंड प्ले करने, कोई भी साउंड सुनने के लिए या प्ले करने के लिए मैटलैब के अंदर जो बिल्ट इन कमांड है प्ले, वो कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कमांड कैन बी यूज विद अ यूज़र डिफाइंड सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज़र डिफाइंड होती है, यूज़र डिफाइन करता है कि इस सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी पे आपने ये साउंड प्ले करनी है। सो एज टू सी द इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ऑन सैम्पल्ड सिग्नल। तो हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट भी देख सकते हैं साउंड के ऊपर कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम करेंगे तो साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिफोर प्लेइंग अ साउंड फाइल यू हैव टू लोड द फाइल इन द मैटलैब एनवायरनमेंट यूजिंग द लोड कमांड। आपको लोड कमांड से पहले वो फाइल लोड करनी पड़ेगी। द अबव मेंशनड ऑडियो रीड कमांड इज़ यूज टू लोड अ वेब फाइल। जो वेब फाइल आपने कहीं सेव की होगी अपने किसी फोल्डर में, उसको मैटलैब के अंदर लोड करने के लिए आप ऑडियो रीड की कमांड यूज़ करेंगे। जब वो मैटलैब के एनवायरनमेंट के अंदर लोड हो जाएगी, आफ्टर दैट द फाइल कैन बी प्लेड एज पर द स्पेसिफिक सैम्पलिंग रेट। तो जो स्पेसिफिक सैम्पलिंग रेट हमने रखा उस सैम्पलिंग रेट के ऊपर फिर मैटलैब के अंदर वो फाइल जो है वो प्ले की जा सकेगी। यूज मैटलैब टू एक्सप्लोर द फॉलोइंग यूजफुल कमांड्स फॉर दिस सेशन। आज की लैब के लिए हम ये जो कमांड्स हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। क्या ऑडियो रीड की कमांड क्या करती है, ऑडियो प्लेयर की कमांड क्या करती है, साउंड की कमांड क्या करती है, वेव प्ले स्लैश प्ले ये कमांड्स क्या करती हैं। मैनिपुलेशन, वी नो दैट मैटलैब ट्रीट्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट एज अ वेक्टर्स मैट्रिसेस। Therefore, the manipulation of an audio signal is no different than altering a component of matrix and in our case, a row vector mono signal. Only a couple of simple cases of MATLAB signal manipulation is discussed in this lab. ये अब इस चीज़ से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि MATLAB हर डेटा जो है वो मैट्रिसेस या वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर करता है। तो अब जब हम इसके साथ ऑडियो सिग्नल भी बेसिकली एक सिग्नल है, जब हम इस सिग्नल के साथ मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तो भी हम क्या कर रहे होंगे कि मैटलैब का जो मैट्रिसेस हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके, उनके साथ तब्दीली करके, कुछ चेंजिंग्स करके उनके साथ कोई ना कोई सिस्टम कर रहे होंगे। डबल द फंक्शन क्रिएट अ लॉन्गर वेक्टर, दिस फंक्शन क्रिएट्स अ लॉन्गर वेक्टर बाय एडिंग एन एडिशनल एलिमेंट बिटवीन नेबरिंग एलिमेंट इन द ओरिजिनल वेक्टर। Each new element should be equal to the average of its neighboring elements. यानी कि अगर अब डबल में आपने क्या करेगा, डबल में ये है कि अगर लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है
ऑल कह लें कि ऑड नंबर्स का, कि 1, 3, 5, 7, 9, तो डबल से क्या होगा कि अब ये अगर टोटल चार एलिमेंट्स है इस वेक्टर के अंदर, तो अब क्या होगा कि बीच में वो इस तरह से तीन और ऐड हो जाएंगे कि पहले और दूसरा एलिमेंट यानी कि 1 + 3/2 यानी कि 1 और 3 का एवरेज जो कि 2 है वो इन दोनों के बीच में प्लेस कर देगा। इसी तरीके से आगे 3 और 5 के बीच में जो इनकी एवरेज है 4, वो इन दोनों के दरम्यान में प्लेस कर देगा। तो बेसिकली ये डबल का फंक्शन जो है वो ये करता है। अच्छा, हाफ क्या करता है? हाफ फंक्शन रिमूव एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी वेक्टर क्रिएटिंग अ शॉर्टर वेक्टर मेड ऑफ ओनली द ऑड नंबर्ड एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अच्छा, हाफ क्या करेगा? अगर हमारे पास लेट से एक वेक्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये क्या करेगा कि ये हर जो है वो ऑड नंबर जो है वो बीच में से रिमूव करता जाएगा, मतलब 1, 3, 5 ये एलिमेंट्स बीच में से निकल जाएंगे, वेक्टर जो है वो हाफ हो जाएगा, वेक्टर की लेंथ हाफ हो जाएगी। इको इको में क्या है? द इको इफेक्ट्स कैन बी सिंपली कंसिडर्ड एज डिले ऑफ म्यूजिक सिग्नल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द ओरिजिनल सिग्नल आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड। अब जिस तरह आपने कभी वो देखा हो ये जो ये महफिल नात वगैरह में नातें वगैरह पढ़े होते हैं, या मसाजिद में जो साउंड सिस्टम्स लगे होते हैं, तो इसमें वो क्या है कि जो इंसान बोल रहा होता है उसी का इको हल्का हल्का पीछे भी आ रहा होता है। तो ये इको इफेक्ट है कि जिस तरह वो उसने अगर कहा अल्लाहु अकबर तो भी अल्लाहु अकबर ऐसे हल्की हल्की आवाज़ पीछे से जो है वो एक उसको अच्छा इफेक्ट देने के लिए इको प्रोड्यूस होता है। तो ये भी इसमें इको में होता क्या है कि वही जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो एक खास डिले के बाद उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली यानी कि अटेन्यूएशन फैक्टर लगा देते हैं, कि पहले अगर 1 अटेन्यूएशन फैक्टर था अब वो 0.8, 0.7, हल्का हल्का कम आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ होती जाएगी, लेकिन वो भी दोबारा हमें सुनाई देगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वायोफेन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस ए स्टेरिक एक्स ऑफ एन माइनस डी। ये एक्स ऑफ एन माइनस डी जो सिंपल डिले है, और ए जो है ये अटेन्यूएशन फैक्टर है कि वो जो ओरिजिनल सिग्नल जिसके अंदर डिले डाला है उसको कितना एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब लेट से इसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा पिछले सिग्नल का, यानी कि जितनी पिछले सिग्नल की आवाज़ थी उससे एग्जैक्टली हाफ आवाज़ इसकी आ रही होगी। इसी तरीके से अगर 0.25 कर देंगे तो उससे 25% पे आ जाएगी। तो ये अटेन्यूएशन फैक्टर है साथ में इसके। इन द इको जनरेटर द ओरिजिनल सिग्नल इज अटेन्यूएटेड डिलेड एंड देन एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। इको जनरेटर में क्या हो रहा होता है? ओरिजिनल सिग्नल जो है वो आपके पास अटेन्यूएट हो रहा होता है, डिले हो रहा होता है, और वापस ओरिजिनल सिग्नल में जमा हो रहा होता है, कि यानी कि अगली आवाज़ भी आ रही होती है और पीछे से हल्का हल्का इको भी उसका वापस सुनाई दे रहा होता है। दिस इज द सिग्नल दैट वी हेयर एंड एक्सपीरियंस एन इको इफेक्ट इन। इसकी एक वो डायग्राम से बनी हुई है कि ये इनपुट सिग्नल है, ये एक तो इनपुट सिग्नल सीधा जा रहा है, ये समर है आपके पास, दूसरा इसी इनपुट सिग्नल के अंदर कुछ अटेनुएशन और डिले डाल के ये भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो आउटपुट सिग्नल के अंदर कि नया सिग्नल भी ऐड होता जा रहा है, इसके डिलेड वर्जन भी ऐड होते जा रहे हैं। ये हमारे पास साउंड्स की बात होगी, आगे हमारे पास इमेजेस इन मैटलैब। अच्छा, फिगर शोज अ ग्रे स्केल इमेज वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इमेज वेरीज साइनोसाइडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये ग्रे स्केल का इमेज है जिसकी जो इमेज इंटेंसिटी है वो साइनोसाइडली वेरी कर रही है। वो क्या है अभी हम आगे देखते हैं। द टॉप रो ऑफ पिक्सल इन इमेज इज वाइट, एज यू मूव डाउन द इमेज इज ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्लैक एंड देन ब्लैक टू वाइट कंप्लीटिंग वन साइकिल। द इमेज इज 200 × 200 पिक्सल, सो द वर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज 1 × 1/200 साइकिल्स पर पिक्सल्स। द इमेज रेंडर्ड ऑन द पेज इज अबाउट 10 × 10 सेंटीमीटर्स, सो द वर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज
0.1 साइकिल पर सेंटीमीटर, ये जैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन को, शायद इतना काम नहीं होगा. द इमेज इज कॉन्स्टेंट हॉरिजेंटली, इट हैज अ हॉरिजेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 0 साइकिल्स पर सेकंड. हॉरिजेंटली इमेज में कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई पिक्सल चेंज नहीं हो रहे, सेम रह रहे हैं. We begin this lab by constructing the MATLAB command that generate this image. To do this, we need to know a little about how MATLAB represents images. In fact, MATLAB is quite versatile in images and we will only explore a portion of it can do. MATLAB के अंदर आपको पता है आगे चल के डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की भी बहुत वसी टूल्स मौजूद हैं और इमेजेस के ऊपर काफ़ी सारा काम किया जा सकता है इसके अंदर. तो हम थोड़ा सा बस टच करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा मैटलैब जो है वो ये काम भी कर सकता है इमेजेस के. अच्छा, इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रिड और मैट्रिसेस ऑफ पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल्स. इमेज मैटलैब जो है, इन मैटलैब एन इमेज टिपिकली इज रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू पिक्सल्स इन द पिक्चर. यानी कि जो पिक्चर है उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनको हम पिक्सल कहते हैं, और मैटलैब वो पिक्सल्स जो हैं वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उसी के ऊपर बाकी हम सारे ऑपरेशन या काम या सिस्टम जो भी हमने फंक्शन चलाने हैं वो चलाते हैं. ईच एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पिक्सल स्टोर्स द कलर फॉर द पिक्सल्स. जो एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर पिक्सल है वो स्टोर द कलर फॉर उस पिक्सल कलर को स्टोर करता है. देयर आर टू बेसिक वेज दैट द कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड. दो तरीकों से हम जो है वो कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. पहला है ट्रू कलर और आरजीबी. कहीं आपने पहले भी देखा होगा, कहीं कोई लोग को फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं, तो और आरजीबी ट्रू इन विच द थ्री कलर कंपोनेंट आर स्टोर्ड रेड ग्रीन ब्लू. आपको पता है कि कोई भी कलर जो है वो इन तीन बेसिक कलर के मिक्सचर से बन सकता है, तो इसको आरजीबी कहते हैं. इसमें जितनी इसकी प्रोपोर्शन, मतलब इन तीनों की प्रोपोर्शन चेंज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं. अच्छा, अब ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है. एक तरीका बताया, अभी मैटलैब में हम देखते हैं किस तरह से हम कलर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. और दूसरी ये है कि इंडेक्स इनटू अ कलर मैप द वैल्यू स्टोर्ड एट एन इंटीजर दैट रेफर्स टू अ रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कलर मैप. द वैल्यू स्टोर्ड इन एन इंटीजर दैट रेफर्स टू अ रो in a matrix is a color map. The color map stores the red, green and blue components in three separate columns. ये red का column है, पहला column red का, दूसरा green का और तीसरा blue का. तो ये दो तरीके से colors जो हैं वो MATLAB में store किए जाते हैं. An image in MATLAB can be represented as an array of two-dimensional matrix where each element of matrix indexes a color map. MATLAB के अंदर किस तरह स्टोर होगा जी, ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास और ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इंडेक्सेस द कलर मैप. यानी कि हर एलिमेंट जो है वो कलर मैप को इंडेक्स कर रहा होगा. कंसीडर फॉर एग्जांपल द इमेज कंस्ट्रक्टेड बाय द इमेज कमांड. लेट से हमने एक कमांड इसको दी, v इज इक्वल टू 1 to 64, और आगे हमने मैटलैब की बिल्ट इन कमांड इमेज वी कर दिया कि ये जो वी वेक्टर है इसको इमेज की फॉर्म में शो किया जाए. दिस शुड क्रिएट एन इमेज समथिंग लाइक दैट शोन इन फिगर L.3. ये हम इधर देखते हैं, 1 से 64 तक अगर एक इमेज बनाए, इमेज ये इस तरह का कोई एक इमेज हमारे पास बनता है अगर ये वाली कमांड हम यूज करें तो. अच्छा, This should create an image something like figure L.3. इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये
फिगर डली भी नहीं है। द इमेज इन 1 pixel हाई बाय 64। ये जो इमेज है ये 1 pixel बाय 64 pixel वाइड है। मैटलैब बाय डिफॉल्ट स्ट्रेचेस द इमेज टू फिट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर ग्राफिक व्यू। सो द 1 pixel वर्टिकुलरली इज रेंडर्ड एज अ वेरी टॉल पिक्सल। यू कुड यूज REPMAT मैटलैब फंक्शन to make image taller than 1 pixel by just repeating this row some number of times. के मतलब जो है वो बेसिकली अपनी जो विंडो है इस ग्राफिकल विंडो इसके जितने वो बनाता है, अगर आपने इसको स्ट्रेच करना हो तो स्ट्रेच करने के लिए रिपीट मैट्रिक्स REPMAT की कमांड यूज करके आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इमेज को। द पिक्सल हैव द ईच द पिक्सल The each pixel have value ranging from 1 to 64. The index, the default color map, which has length 64 and color ranging from blue to red through the rainbow. अगर आप color देखें तो इसका ये blue से red तक इसके इसमें वो जा रहा है, क्योंकि वो map देखने में जगह छोटी है तो हर color इसके अंदर अभी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अब है जी change the color map using color map command. अब आप इस तरीके से कलर मैप कमांड की इस्तेमाल करते हुए इस कलर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि जी ग्रे 256 कलर मैप मैप इमेज 1 से लेकर 256। एग्जामिन द मैप वेरिएबल टू अंडरस्टैंड रिजल्टिंग दिस इज कॉल्ड ग्रे स्केल कलर मैप। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये है जी मैप इज इक्वल टू ग्रे 256 मैप इज इक्वल टू ग्रे 256 और कलर मैप इमेज 1 से 256 ठीक है। पहले हमने क्या किया कि एक कलर मैप बना लिया और उसको हमने जो ग्रे स्केल में रखा था 256 का 0 से लेके 256 तक, तो उसके बाद हमने ग्रे स्केल के ऊपर एक इमेज बना लिया। अच्छा इसको देखते हुए हम टास्क की तरफ चलते हैं। पहला टास्क हमें क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू दिस सिग्नल, जिसके अंदर एक कोसाइन की टर्म है, एक साइन की टर्म है, एक कोसाइन की टर्म है। देखने में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 1/2 साइन कोसाइन फोरियर का कोई सिस्टम लग रहा है। टेक टाइम इज इक्वल टू 0 1 divided by fs क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, से लेके 1 minus 1 divided by fs। 1 minus इसलिए कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों कर रहे हैं। वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 44.1 kHz। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम गिवन है, आपने ये वाला सिग्नल एक्स क्रिएट करना है। ये सिग्नल एक्स क्रिएट करने के बाद आपने पहले पार्ट में क्या करना है? लिसन टू द सिग्नल यूजिंग ऑडियो प्लेयर बिल्ट इन फंक्शन इन मैटलैब। आपने ये जब x क्रिएट कर लेंगे ना, इस x को आपने सुनना है, इस x को किस तरह की आवाज आई है। अब आपने करना है नाउ यूज रीसैंपल फंक्शन टू इंप्लीमेंट x विद fs इज इक्वल टू 48 kHz। अब आपने इस जो फंक्शन x है इसको रीसैंपल करना है एक हायर फ्रीक्वेंसी पे जो कि 48 kHz है। लिसन टू दिस अगेन एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस। आपने इन दोनों को सुनना है, जाहिर है हम इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई तब्दीली आ रही है साउंड के अंदर। आल्सो यूज सब प्लॉट टू कमांड बोथ सिग्नल गिव कमेंट अबाउट देयर कंपैरिजन। कि ये जो दो सिग्नल्स बनाएंगे इनको सुनेंगे और उसके बाद इनको आप दोनों को एक ही प्लॉट के अंदर यानी कि सब प्लॉट की कमांड से प्लॉट करके इन दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। अच्छा दूसरा पार्ट इसका है लैपटॉप वन का कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है ऑडियो रीड का जो कि इस तरीके से रीड करता है एक्स और एफ एक्स, जो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी हमें रिटर्न करता है
Use to import an audio file to MATLAB. Use this along with audio player to play audio file, determine its size, plot, and observe the response. Use MATLAB help to see the syntax of these command and play to listen signal. ये अब आपको पता है कि कोई भी अगर built-in function है उसको किस तरीके से देखना है उसका syntax, तो आप help करके MATLAB में देख सकते हैं. तो करना आपने क्या है कि कोई भी एक file लेनी है, कोई भी बेशक अपनी आवाज़ में 1, 2, 3, 4 कह दें, किसी का नाम बोल लें, कोई फाइल लेनी है, उसको ऑडियो रीड करके उसके बाद मैटलैब के अंदर प्ले करना है, और इसका जो है प्लॉट और इन दोनों का साइज जो है वो आपने मतलब बनाना है या ऑब्जर्व करना है. वो नीचे यहाँ पर लिखेंगे भी सही जब लैब मैनुअल बना रहे होंगे. लैब टास्क टू में क्या करना है, लैब टास्क टू के अंदर है कि नाउ लिसन टू द सिग्नल ऑडियो प्लेयर 0.5 steric x into fx and audio player 2 into x into fx in task 1 part 2. यानी कि अभी आपने जो part 1, 2 के अंदर जो आपके पास signal आया है, इसी signal के जो जो x है इसको आपने 0.5 के साथ multiply करना है और एक दफा 2 के साथ multiply करना है, और आपने अगेन लिसन टू दिस सिग्नल मतलब इन दोनों को पहले सुनना है, उसके बाद क्या करना है. अभी हम सिर्फ x चेंज कर रहे थे, सिग्नल का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे थे. अब आपने क्या करना है, अगेन लिसन टू द सिग्नल बट ऑडियो प्लेयर x कॉमा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ स्टेरिक 2 करके सुनना है. 2 टाइम ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे सुनना है और फिर हाफ ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज पे सुनना है. कमेंट ऑन द डिफरेंट वॉइसेस लिसन नाउ इंक्लूडिंग दिस टास्क एंड लास्ट. अब आपने बताना है कि जी ये जो आवाज़ मैंने सुनी है ये किस तरह की थी, आवाज़ श्रिल हो गई है, भारी हो गई है, मोटी हो गई है, पतली हो गई है, आवाज़ के अंदर क्या तब्दीली आई है. अप्लाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी टू द ऑडियो सिग्नल इम्पोर्टेड इन टास्क 1 पार्ट 2 टू अप्लाई एन इको एज गिवन इन मैनुअल. अच्छा, अब आपने इसके ऊपर एको जो है वो इस सिग्नल के अंदर डालना है. लेट से आप अपनी आवाज़ में कोई आप कोई नात पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आपने उसको रिकॉर्ड करके 5-4 बहुत बड़ा ना करना क्योंकि मैटलैब फिर कंप्यूटेशन में टाइम लग जाएगा. 8-10 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड करके मैटलैब के अंदर जिस तरह मैनुअल में हमने कहा कि एको किस तरह जनरेट की जाती है, कि आपका ओरिजिनल सिग्नल भी चल रहा होता है और उस ओरिजिनल सिग्नल के साथ आप अटेनुएशन और डिले भी ऐड कर रहे होते हैं. तो आपने ये एको ऐड करके और फिर उसके बाद आपने सुनना है. Listen it to observe echo. अच्छा, scale both signal x and f to this echo signal and about us into and see the difference. आपने दोनों scaling करके और उसके बाद इसका difference कोई है तो उसके ऊपर comment करना है, plot करना चाहे plot कर दें. Hint: you can use loops to shift audio signal and to add back it to original one by taking a is equal to 0.5, d is equal to 0.6 in echo section of the manual. कि आपने वो जो लूप था वो आप वो जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम बनी हुई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप मैटलैब के अंदर लूप्स का इस्तेमाल करके वो रियलाइज कर सकते हैं. ये आखिरी टास्क है लैब टास्क 3. इसमें आपने क्या करना है, ये बड़ा आसान है. इसमें क्रिएट अ 5x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंडम इंटीजर्स. आपको पता है रैंडम इंटीजर्स किस तरह RANDI की कमांड से रैंडम इंटीजर्स जो है वो जनरेट करते हैं. From 1 to the number of color, take different values of R from 1 to 64 to see the color. 1 से 64 से कोई भी एक value choose कर लें. 1 से लेके उस तक कोई भी random values आपने choose करके एक 5x5 की matrix बनानी है. वो matrix बनाने के बाद आपने image की command से वो matrix जो है वो view कर लेनी है. Create a 200x200 pixel image that like that shown in figures manual, वो जो manual में एक figure दी हुई थी उस तरह का. set the color map to gray 256, color map to 56 कर दें as indicated in manual. change your image so that the sinusoidal variant are horizontal rather than vertical. के पहले जो है वो horizontal थे, अब आप उसको vertically उसको अब आप हॉरिजॉन्टल कर दें रादर देन बीइंग वर्टिकल. वेरी द फ्रीक्वेंसी सो दैट यू गेट 4 साइकल्स ऑफ साइनोसाइड इंस्टेड ऑफ 1. इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है कि जब वहां पर
मतलब एक जो इमेज था उसके अंदर एक दफा वो ब्लैक आ रहा था, कि व्हाइट से शुरू हुए तो ब्लैक आ रहा था फिर व्हाइट, आपने इस तरह बनाया नहीं है कि आप व्हाइट से शुरू हो तो एक दफा ब्लैक आए फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, फिर 4 दफा ब्लैक आएगा तो आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो सॉरी जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास 4 हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस इमेज, तो आप वो जो ब्लैक लाइंस कितने दफा नजर आ रही हैं उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है। अब आप लैब टास्क नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद सलमान क्या कर रहे हो? मैटलैब ओपन की हुई है? असलम से हाँ मैटलैब ओपन करके बैठे हो? सर, मेरा लैपटॉप का मसला है बैटरी का, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया। तुम मेरे ख्याल आधे सोए पड़े थे। सर, मेरे लैपटॉप का मसला है इसलिए वो बार बार बंद हो रहा है। अच्छा बार ये टास्क स्टार्ट करें इसका। सर ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, अगर आप थोड़ा बहुत मैटलैब हमें बता दें, बाकी फिर हम लोग जब टास्क कर रहे होंगे बाकी काम खुद कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें आप बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ।
अटेंडेंस पोस्ट हो गई है, काइंडली अटेंडेंस लगा दें पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, मेरे ख्याल अटेंडेंस लगा ली है, मेरे पास इतने ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जितनी अटेंडेंसेस लग गई हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। टास्क नंबर वन में क्या था कि हमने सिंपल एक सबसे पहले सिग्नल बनाना था, x इज इक्वल टू कॉस 2 पाई 2000 टी। तो जी वही बनाओ, अच्छा बना लेते हैं ये। yeah.
ये हमारे पास x इज इक्वल टू cos 2 स्टेरिक सर, ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना सर यहाँ से। सही चुना, अच्छा हो गया ये तो। ये क्या है सर, ये पूरा x दिया हुआ था आपने, x1 x2 कर दिया। ठीक है, बस मैं तीन सिग्नल अलग बना के को ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि बस इजी टू कॉम्प्रिहेंड हो। सर एक साल ले लेते भी कोई मसला नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं मसला तो कोई नहीं है, अगर आपको समझ आ रही है तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें क्या गलती है, हाफ साइन 2π 400, हाफ साइन 2π 400। अच्छा टी डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड हो गया और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक नहीं है हमारे पास, ये मेरे पास बन गया कॉस 2π 200t, कॉस 2π 200t, हाफ साइन 2π 400, हाफ साइन 2π 400, टी माइनस पाई बाय फोर, टी माइनस पाई बाय फोर। cos 2π 800t। listen to the signal using audio player। तो हमारे पास जो x है, x is equal to x1 plus x2 plus x3 है, और हमें चेक क्या करना है ऑडियो प्लेयर की कमांड। देखते हैं help ऑडियो प्लेयर। ऑडियो प्लेयर हमारे पास क्या कह रहा है जी के सर? जी जी सर, आपने जो फर्स्ट लाइन पे फ्रीक्वेंसी लिए तो इसको मेटलैब किस तरह डिटेक्ट करेगा कि ये फ्रीक्वेंसी लिए आपने? मेटलैब तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, हम खुद उसको इस तरीके से यूज करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी होगी। मेटलैब तो डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा इसको, मतलब मेटलैब को नहीं पता ये कि किलोहर्ट्ज में या किस में। जब हम ऑडियो रीड की कमांड के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे मैटलैब हमसे, जिस तरह जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी फंक्शन का जो जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो यही होने चाहिए। अभी देखें ना यहाँ पे, जिस तरह ऑडियो प्लेयर क्रिएट ऑडियो प्लेयर ऑब्जेक्ट फॉर सिग्नल वाई यूजिंग सैम्पलिंग रेट एफ ऑफ एक्स, अ हैंडल टू ऑब्जेक्ट इज रिटर्न्ड। सिर्फ हर्ट्ज में गिवन होती फिर भी तो हम ऐसे लिखते ना।
नहीं आप तो बात ठीक है, ये गलत लिख दी है, इसको किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई बाय क्या क्या होता है, किलो 10^3, इसको मल्टीप्लाई बाय 10^3 कर देते हैं। बस एक चीज मुझे चेक करना है, कहीं ये बिल्ट इन कमांड जो है वो किलो हर्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी तो नहीं लेती। वो सेकंड लाइन भी समझा दे सर, सेकंड लाइन तो सिर्फ एक, जब हम कहते थे कि एक टी बनाए जो जिसका जीरो से स्टार्ट हो और इसका जिसका स्टेप हो एक एक स्टेप हो वो 0.01 का हो और 10 पे जाके ख़त्म हो जाए, तो बस अब ये ऐसा ही टी बन रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टेप है 0.01 की बजाय हमने 1/FS कर दिए, यहाँ पे जो भी FS होगा उसका 1/, अगर ये 44 है तो 1/44 का स्टेप हो जाएगा। और 1 - 1/FS क्यों की है, वो इसलिए की है, वो भी आप देखेंगे हम आगे चल के ना, एक उसका डिफरेंस आ रहा होगा साइज का, तो साइज बराबर करने के लिए किया है। ये तो जस्ट टी हमने एक्स एक्सिस इसका क्रिएट किया है। अब ये एफ ऑफ एस किलो हर्ट्स में है या नहीं, ये ऐसी कोई बात लिखी हुई तो नहीं है, तो अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में ही होगी। FS sampling rate in hertz, हाँ जी ये hertz है, valid value depend upon both sample rate मतलब specify the hertz resolution of Fresnel, ठीक है ये hertz में है by default, जो ये मतलब लेता है ना ये hertz में लेता है, तो हमें इसको जब question में अगर किलो hertz में given है तो हमें इसको multiply by 10^3 करना पड़ेगा, multiply by 10^3 करने का मतलब है कि दो zero लग जाएंगे आगे और ये एक दो तीन, ये 10^3 होगी। तो यहाँ पे हम इसको इन हर्ट्ज़ कर देंगे। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ऑडियो प्लेयर की कमांड इस्तेमाल करनी है। ऑडियो प्लेयर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हमें देनी है, इसने P इज इक्वल टू ऑडियो प्लेयर, हमारे पास सिग्नल का नाम X है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने एफ एस के नाम से ही रखी हुई है। देखते हैं आगे क्या करना है, आगे हमने करना है कि जी लिसन टू द सिग्नल यूजिंग ऑडियो प्लेयर बिल्ट इन। अब इसको हमने लिसन करना है, अब इसको लिसन कैसे करेंगे, प्ले की कमांड से प्ले पी, और क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं इसके, प्ले पी स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप, मेरे ख्याल है ये बगैर इसके भी चल जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक बीप सुनाई दी है, इसके अंदर एक जो है वो एक साउंड डेड हो रही है, फिर मतलब एक दफा बंद होने वाला बीप है। अच्छा अब इससे कर लिया आपने, उसके बाद कहते हैं कि नाउ यूज रीसैंपल फंक्शन टू इंप्लीमेंट। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, वो ऑडियो P इज इक्वल टू ऑडियो प्लेयर वाला जो लाइन लिखी थी आपने वो क्या फंक्शन करेगा? बेसिकली ये X क्या चीज है, X आपको पता चला है क्या चीज है, X जो है ये हमारे पास सिग्नल है, एक सिग्नल है जो कि हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में सेव कर लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वर्कस्पेस में अगर आप देखें लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास X जो है वो एक 1x44100 जो कि हमारे पास सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी थी, उस साइज का एक डबल टाइप का
मैट्रिक्स बने, तो जो पी ऑडियो प्लेयर एक्स को मैं एफ एस की कमांड क्या करेगी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी ऑडियो प्लेयर टाइप का, मतलब मैट्रिक्स को बेसिकली जब हमने प्ले करना है तो हमें पहले उसको ऑडियो प्लेयर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि ऑडियो प्लेयर की कमांड बना रही है। ऑडियो प्लेयर की कमांड क्या बना रही है कि ये हमारे पास एक्स जो है ये सिग्नल है और ये इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों के ऊपर आपने पी का ऑब्जेक्ट बनाना है। और आठवीं लाइन में जस्ट हमने ये कह दिया कि जो पी का हमारे पास ऑडियो प्लेयर ऑब्जेक्ट बना है उसको प्ले कर दो, मतलब ये जो पी है इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है कि एक्स क्या है और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या थी, वो जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको प्ले करने के लिए हमने ये ऑडियो प्लेयर की कमांड इस्तेमाल की। आप ये समझ लें कि जो मैट्रिक्स था उसको ऑडियो में लोड करने के लिए हमने ऑडियो प्लेयर की कमांड इस्तेमाल की। बी पार्ट कहता है जी, नाउ यूज रीसैंपल फंक्शन टू इम्प्लीमेंट एक्स विद फ्रीक्वेंसी दिस, लिसन टू दिस अगेन एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस, ऑल्सो यूज सब प्लॉट। आप देखते हैं कि जी रीसैंपल फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये हेल्प रीसैंपल, रीसैंपल फंक्शन, रीसैंपल, रीसैंपल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डेटा टू अ न्यू फिक्स्ड रेट, वाई इज इक्वल टू रीसैंपल एक्स पी क्यू, रीसैंपल्स द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ अ यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल एट पी बाय क्यू टाइम्स द ओरिजिनल सैंपलिंग रेट यूजिंग अ पॉलीफेज एंटी अलियासिंग फिल्टर, इफ एक्स इज अ मैट्रिक्स देन रीसैंपल treats each column as an independent channel. Oh, kidhar gaya? Basically, sampling rate जो है वो यहाँ पे change करता है। अगर ये example देखें, resample a sinusoid at 3/2 the original rate, यानी कि जो इसका original rate था उसको 3/2 ऑफ दिस रेट पे आपने सैंपल करना है। तो ये हमारे पास एक साइन सिग्नल बना हुआ है, रीसैंपल हमने इसे क्या करना है, रीसैंपल एक्स, ये जो एक्स सिग्नल है इसको रीसैंपल करना है। और सैंपलिंग रेट के अंदर क्या चेंज लानी है वो हमने 3/2 ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि अगर पहले 10 सैंपलिंग रेट था तो अब 10 × 3/2 सैंपलिंग रेट पे इसको सैंपल करना है। यानी कि अगर पहले यहाँ पे जो सैंपलिंग हो रही थी वो 3/2 पर थी, वो 10 पर थी, तो अब 10 × 3/2 यानी कि 5, 5, 3, 15 अब इसका सैंपलिंग रेट अब इसका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको करने के दो तरीकेकार हैं, एक ये कि हम ये जो हमारे पास ऊपर सिग्नल था इसी सिग्नल के अंदर तब्दीली कर दें, या फिर रीसैंपल की कमांड यूज करें कि 44 को 48 पे रीसैंपल कर दे। तो एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर एक और सैंपलिंग बनाते हैं कि एफ एस वन इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 48,000 और इसमें जहां जहां पे टी है वो सब जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो इसी के अंदर ही फिर चेंज कर लें, लेकिन इसके अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास पिछली वैल्यू स्टोर नहीं नहीं, नहीं रहेगी। सही, तो इसको एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं।
48,000 और इसको हम कह देते हैं T1, इसे कह देते हैं FS1, तो ये हमारे पास आ जाएगा T1। ये हमारे पास T1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास T1 आ जाएगा, ये भी T1 आ जाएगा। P को Q कर देते हैं, Q X new और FS1 तो यहाँ पे T1 किया, वहाँ भी FS1 नहीं करना। लाइन नंबर बताएं। 8 लाइन नंबर 8 में क्या करें? FS की जगह FS1 नहीं करेंगे फिर? जी जी हाँ जी, FS1 करेंगे बिल्कुल। ये हमारे पास P आ जाएगा क्योंकि ये पिछले वाला X चल रहा है, दोनों को प्ले करना है, ऑडियो P और यहाँ पर ऑडियो Q। अभी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखें क्या आवाज देता है। फिर पहले एक ही आ रही थी ना, अब उसमें दो किस्म की आती है। इसको हम अलग अलग सर सैंपलिंग में क्या होता है काइंडली एक दफा दोबारा बता दें। सैम्पलिंग में ये होता है कि जब मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो लेट से मैंने आपको कहा कि आपका नाम क्या है, मैंने ये वर्ड बोल, ये फ्रेज बोला है। सैम्पलिंग क्या करेगी, इस आवाज़ को डिफरेंट छोटे 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 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उस पॉइंट पे जो वैल्यूज होगी वो स्टोर कर लेंगी। अब अगर फ़र्ज किया 5 सेकेंड की एक फ्रेज है, ठीक है, उसको हम लेट से मेरे पास एक सिग्नल, ये एक सिग्नल था जो कि अब मैं बोल रहा हूँ, लेट से मैंने 3 सेकंड के लिए बोला तो मेरी आवाज का सिग्नल जो है ना वो कुछ इस तरह का आया, ये 1 से लेके 3 सेकंड तक। अब जो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल से लेके लैपटॉप हर चीज़, ये मेरी आवाज़ को इस तरह कॉन्टीन्यूसली स्टोर करने का तो कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, या इस किसी भी सिग्नल को कॉन्टीन्यूसली स्टोर करने का भी तो कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। तो डिजिटल सिस्टम्स क्या करते हैं, इस पूरे सिग्नल्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अब क्या देखें, अब कितनी लाइनें बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइंस बनी। 12 लाइंस को क्या करेंगे, एक वेक्टर बन जाएगा एम्पलीट्यूड, और वो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, सिर्फ इन सैंपल्स पे वैल्यू उठा लेगा। लेट से मेरी आवाज में जो पीक थी वो आ रही थी 2 पे, तो ये जस्ट ये वैल्यूज उठा लेगा कि पहली आवाज जो थी वो लेट से ये 1.3 पे आई थी, 1.3 स्टोर कर लेगा। दूसरी जो है वो आई आपके पास 1.8 पे, 1.8 इसकी दूसरी एलिमेंट आ जाएगा। तीसरी आई 2 पे, वो इस तरह आ जाएगी। इसी तरीके से 1.91, मतलब एक पूरा वेक्टर की फॉर्म में वो स्टोर कर लेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी जो के 1 से लेके 3 तक है। 1 से लेके इसका कोई भी स्टेप वो हम निकालेंगे कि वो स्टेप क्या बनता है दोनों की डायमेंशन सेम करने के लिए,
वन से लेके तीन तक कर लेगा। अब अगर एक बंदा कहता है कि नहीं यार ये जो आवाज स्टोर की है ना इसके अंदर बीच में जो गैप्स हैं, गैप्स बहुत बड़े हैं, ये वाले गैप्स देखे ना, ये पूरा अच्छा खासा गैप है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो ज़ाया हो गई। तो एक बंदा कहता है कि नहीं जी ये सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आपकी कम थी, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं। अब फ्रिक्वेंसी वन डिवाइडेड बाई टाइम होती है, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड का स्टेप है वो छोटा हो जाएगा। वो बंदा कहता है कि नहीं जी इस तरह होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे सैंपल्स हमें लेने चाहिए। तो वो छोटे छोटे सैंपल से क्या होगा कि ये जो बीच में बड़े बड़े गैप्स आ रहे थे सिग्नल्स के, जो इन्फॉर्मेशन लूज हो रही थी वो इन्फॉर्मेशन लूज होना कम हो जाएगी। लेकिन इसके बदले में क्या होगा कि जो हम मैट्रिक्स ए बना रहे थे जो पहले सिर्फ 1x12 का था, अब हो सकता है वो 1x80 का बन जाए या 1x100 का बन जाए, हो सकता है ये 1x100 का बन जाए क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये बेसिकली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का काम है इसके अंदर। अच्छा अभी ए पहले एक वो सुनते हैं और उसके बाद हमारे पास दो आ रही हैं। इसकी जो आगे वाली मतलब पहले डिप के बाद जो अगली साउंड थी वो ज़रा डिलेड थी, तो ये इसके अंदर हमारे पास दो सिग्नल्स में जो फ़र्क आया है। अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। जो हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट किस किस का करना है, सर एक सिग्नल्स को प्लॉट जी जो दो एक्स और एक्स न्यू का करना है सर। हाँ जी, एक्स और एक्स न्यू को प्लॉट करके बेसिकली हमने देखना है। तो एक्स कॉमा सॉरी पहले एक्स एक्सिस आता है, टी कॉमा एक्स, और बल्कि उसने कहा सब प्लॉट करना है, सॉरी सब प्लॉट करना है इसको, सब प्लॉट सब प्लॉट 2, 1, 1 पहली विंडो क्रिएट की, प्लॉट टी कॉमा एक्स सब प्लॉट 2, ये टोटल विंडोज पहली रो दूसरा कॉलम प्लॉट T1, X new। टाइटल एक्स विद एफ एस 44.1 के। ये हमारे पास जो 44K वाला हमारे पास स,
मतलब इसके अंदर जो आपके पास इसको, या तो हम थोड़ा सा लिमिट इसकी अप करके देखते हैं, ताकि हमें वैसे भी एक छोटा सा जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कि जो 44 किलोहर्ट्ज़ वाला है ना, ये थोड़ा सा इसके अंदर जो इसके ये हैं एजेस हैं, इनके ऊपर एक हल्की सी आपको जो है वो साइनोसाइड सी नज़र आ रही है, यानी कि इसकी जो पीक्स हैं वो थोड़ी सी वो हैं साइनोसाइड। 48 के वाले की पीक्स आपके पास, इसके अंदर कुछ भी वो साइनोसाइड सा नहीं है। अब इसमें पहले तो जूम उस जगह पे भी हो जाता था, पता नहीं इस वर्जन में किस तरह से जूम होता है। हाँ हो रहा है, हो रहा है। ये हम जूम करके इसकी पीक, इसकी जूम करके देखें अगर, और इसकी पीक जूम करके देखें तो इसका जो मैक्सिमम ये 1.55 तक जा रहा है, ये भी 1.55 तक की तकरीबन जा रहा है, और ये बिल्कुल स्मूथ है। इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिप्स हैं। तो अपेरेंटली यहाँ से ये दो फर्क हमें इसके नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि कोई सी भी एक फाइल जो है वो आप ऑडियो की वो फाइल आप अपने माइक से देखते हैं, माइक आता है हमारे इसमें कि नहीं, साउंड रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर। Hello, this is Signal and Systems Lab. Hello. Hello, this is Signal and Systems Lab. अच्छा, इसको करते हैं सेव। कहाँ से सेव होगी? ओपन फाइल लोकेशन। इसको हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को करते हैं कट और लैब के फोल्डर में डालते हैं। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यूज दिस टू इंपोर्ट एन ऑडियो फाइल टू द मैटलैब। Use this along with audio player to play the file, determine its size, plot and observation response. सही, तो इसको हम इसका नाम दे देते हैं my file, कह देते हैं इसको my file, और ये बनाते हैं हम एक और सेवंथ लैब के अंदर इसको डाल देते हैं ऑडियो टेस्ट के अंदर हमने क्या करना है जी, हमें रिक्वायरमेंट ये गिवन है फाइल नेम का, आई गेस पाथ पूरा ही देना पड़ेगा। माय फाइल,
तो जिस फोल्डर में हम अपना टास्क और कोड मतलब सेव करे होंगे उसी फोल्डर में फिर हमने रिकॉर्डिंग सेव करनी होगी। मेरा ख्याल है तो ऐसा ही है, लेकिन अगर आपकी जो ऑडियो फाइल पड़ी है इसको इसको पाथ देना पड़ेगा। द फाइल नेम स्पेसिफाइज नॉट फाउंड इन माय फाइल। इसको पाथ देना पड़ेगा हमें, या फिर अगर मैं इसको इस फोल्डर में रख दूं, या फिर इसको मैं चेंज फोल्डर कर दूं। हाँ, चेंज फोल्डर भी कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट, इसको अगर मैं चेंज फोल्डर करता हूं, और टेस्ट ऐड टू पाथ करने की बजाय इसको मैं चेंज फोल्डर कर देता हूं। चेंज फोल्डर भी नहीं हो रहा, करंट फोल्डर को यहां से अगर हम ऐसे लें, इसको पाथ दे देते हैं। सर वो उसी नाम से पहले कोई फाइल बनी होगी तो शायद वो नहीं रन करता होगा ना सर, जिसमें नहीं, बेसिकली ये जो फाइल का पाथ है ना वो आया है, द फाइल पाथ वाज नॉट फाउंड इन मैटलैब पाथ। तो मैटलैब का जो इस टाइम पे पाथ है ना वो ये वाला फोल्डर है, करंट फोल्डर। इस करंट फोल्डर में हमारी ये वाली फाइल नहीं पड़ी हुई, इसलिए हमें इसको, मेरा ख्याल है कि इसको पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट रुकेंगे, मैंने लिखी थी एक जगह पे। जस्ट वन मिनट, चेंज फोल्डर इस तरह चेंज करते हैं फोल्डर।
ये तो M4A फाइल है, M4A फाइल तो शायद रीड ही ना हो। M4A फाइल रीड हो गई। अच्छा वो फाइल की गलत दे रहे थे हम एक्सटेंशन। अच्छा जी M4A फाइल हमने रीड की। इसके बाद हमें क्या कहे जी, ये रीड करनी है, उसके बाद आपने इसको प्ले करना है। प्ले करने से पहले एक काम और भी करना होगा। ऑडियो प्लेयर पे भी जाना होगा। ऑडियो प्लेयर पे इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप वर्कस्पेस में देखें तो हमारे पास जो एक्स है ये डबल वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ है। चेक करते हैं लेट्स से क्या होता है। एक्स प्ले हेलो दिस इज सिग्नल एंड सिस्टम्स ऐप। अच्छा इसने ये प्ले कर दी ऑडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी। Determine the size and observe its response. Size हमने जो है वो इसका determine किया। Size हमें इधर से ही पता लग रहा है, यहाँ से ये इसका size है, या size of x करके भी हम इसका size ले सकते हैं। Sampling frequency उसने already इसमें से 48,000 extract किया इस file में से। Plot करते हैं जी। Plot करने के लिए हमारे पास हाँ जी, अब इसमें एक मसला आया हुआ है। अब इसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे, क्या राय है आपकी? ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट प्लॉट? क्या ख्याल है? ये जी वॉइस का हमारे पास जो है प्लॉट है, इसमें स्टार्ट में जब मैंने शुरू की थोड़ी देर में खामोश रहा, जरा नॉइज था, फिर मैंने कहा दिस इज सिग्नल्स एंड सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम पे मेरी जो पिच थी आवाज़ की वो ज़रा ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। आखिर में जाके एक बिल्कुल एंड में जो बीप आई, आई थिंक कि ये माउस पे क्लिक की है। सुनते हैं इसको एक मिनट के लिए। दिस इज सिग्नल एंड सिस्टम्स ऐप। ये आखिर में माउस क्लिक की वजह से एक बड़ी साउंड आई है, और मेनली आवाज जो है मेरी इस टाइम में, यानी कि 3-2.5 सेकंड की टोटल क्लिप था, तो इसके दौरान जो है वो जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा थी। अब मेरी इसी आवाज़ का आगे चल के आप फोरियर एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी जो आवाज़ है उसमें कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं जिनका सबसे ज़्यादा अमल दखल है। मतलब जो लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसमें ज़रा हाई फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं, लड़कों की आवाज़ में लो फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो आप अगर एक लड़के की आवाज़ या लड़की की आवाज़ में कंपेयर करेंगे, ये टाइम सिग्नल, ये टाइम डोमेन का सिग्नल है, इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाके फिर जब दोनों का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलता है कि इस बंदे की आवाज़ जो है वो मैक्सिमम किस फ्रिक्वेंसी तक जाती है, और नॉर्मल इस बंदे की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है। अब
अच्छा अब ये देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ये 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो एक्स थी, और फिर सुनते हैं फिर क्या आवाज आती है। अब क्या हुआ कि जो आपने देखा है कि मतलब साउंड कम हो गई है, पहले जो तेज आवाज थी वो अब आवाज कम हो गई है, आवाज की फ्रिक्वेंसीज वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी और थोड़ी सी कम हो जाएगी आवाज। अब ये कह लें कि मैं एम्पलीट्यूड कम कर रहा हूँ सबका, लेकिन पैटर्न वही रह रहा है, इसका मतलब है कि आवाज वही रहेगी, बस ज्यादा या कम हो जाएगी आवाज, मतलब जिस तरह आप कह लें वॉल्यूम अप या डाउन। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़ने से जो है ना ये मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ओहो, पर इससे स्पीड तेज से कम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। अब आई डोंट नो आप लोगों को आवाज आई है कि नहीं, वो तो ऐसे वुल्वरीन की तरह आवाज हो गई मेरी। चलें आवाज, अब आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो उसमें आप इसके साथ, एक मिनट मैं यहाँ से देखता हूँ इसके वॉइस। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो सब ये जो है ना ये वुल्वरीन वाली आवाज बन गई, सब इसको टू से सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा कर दे। अब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी तो बीच में से देखें कि मेरी काफी सारी सर आपका माइक म्यूट है। ओके अच्छा, अगर अब 0.2 के साथ अगर हम इसको सुने तो हमारे पास ये बेसिकली जो है हम इसके साथ चेंजिंग कर सकते हैं, ये इस पार्ट में आपने करना था। अब हम इसके अंदर 0.2 के सर ये एफ ऑफ एस के साथ जितना हम छोटा फैक्टर लगाएंगे इसी हिसाब से वो पिच उसकी ज्यादा हो जाएगी ना सर या कम हो जाएगी? पिच का तो मुझे नहीं पता, पिच से मुराद क्या है, पिच का एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं आता यहां पे अभी जी। अभी आपने 0.2 लगाया था तो साउंड की ग्रेवनेस बढ़ गई है बेसिकली। जब मुझे ना असल में पिच का नहीं, मुझे आई डोंट नो पिच एग्जैक्टली पिच से क्या मुराद है, लेकिन जो 0.5 के साथ जो सैंपलिंग
0.5 के साथ जो हमने सैम्पलिंग फैक्टर लगा दिया, यानी कि जो ऑडियो प्ले करनी थी हमें, हमने जो उस साउंड की जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी थी जिसके ऊपर ऑडियो प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनना था, उसको तब्दील कर दिया। तो उसको एक तो ये भी हुआ सर, श्रिलनेस की बात करूँ सर, जिस तरह आपने कहा था ना सर, लड़कियों की उनकी पिच ज़रा श्रिल होती है और लड़कों की जो होती है वो ग्रेव होती है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एफ ऑफ एस के साथ हम जितना छोटा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेव होती है या श्रिल होती है साउंड? ग्रेव होती है ना सर? हाँ ग्रेव होती है, श्रिल नहीं होती। बिल्कुल श्रिल, अगर बड़ा फैक्टर के साथ आवाज़ श्रिल हो जाएगी। अच्छा अब इसके अंदर ये, हाँ नहीं ऐसे ही है। अब आप इसमें अपनी आवाज़ वगैरह लेके इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कमेंट ऑन डिफरेंट वॉइस लेसन, आपने जो वॉइस लेसन की, एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि एफ ऑफ एस के साथ जब मैंने 0.5 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो मेरी आवाज़ जो कि 2.5 सेकेंड की रिकॉर्ड हुई थी वो 5 सेकेंड में प्ले हुई, और जब मैंने एफ ऑफ एस के साथ 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो जो 2.5 सेकेंड की आवाज़ रिकॉर्ड हुई हुई थी वो 1.25 सेकेंड के अंदर प्ले हो गई। तो ये भी एक इसके अंदर नोटिस करने वाली बात है। साथ में आप ये पूछ सकते हैं कि टाइम में क्यों नहीं वो हमें नज़र आया, तो वो टाइम में हमें इसलिए नज़र नहीं आया कि हमने प्लॉट सिंपल एक्स पे किया हुआ है। पी ये जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी छेड़ रहे थे ये हम ऑडियो प्लेयर की छेड़ रहे थे। अच्छा उसके बाद अप्लाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी टू एन ऑडियो सिग्नल इम्पोर्टेड इन टास्क 1 पार्ट 2। जो ऑडियो सिग्नल है, इस ऑडियो सिग्नल के ऊपर कोई एको वगैरह या इको जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्केल बोथ सिग्नल्स एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दिस इको सिग्नल एज अबव एंड टास्क टू डिफरेंस। यू कैन यूज लूप्स टू शिफ्ट ऑडियो सिग्नल्स एंड टू ऐड बैक टू द ओरिजिनल। अब आपके ख्याल में जो है वो इसका आप लोगों की क्लास तो नहीं है अभी सर? वैसे जुम्मे से पहले होती है अक्सर लीनियर अलजेब्रा की। अभी आधा एक घंटा है इसके अंदर। यस सर, वो स्टार्ट हो तो 11:30 पे होती है। 11:30 पे। अच्छा ये अब हमने एको डालना है। ये मेरी वॉइस है एक्स, मैं चाहता हूँ कि इस एक्स के अंदर मैं जो है आवाज के अंदर एको डालूं इस तरीके से के x of n जो है इसके अंदर echoed voice भी मेरी add हो जाए। तो आपको क्या ख्याल है कि किस तरीके से echo डालना चाहिए इसके अंदर? ये मेरे पास x है सर, time delay कैसे डालें, क्या लिखें MATLAB के अंदर x of क्या x x of x plus 3 2 लिखेंगे सर, या x plus 2 1 0 से ग्रेटर जो भी हो। x of x plus 2 यस सर।
ये क्या, ये तो मैटलैब नहीं ना जानता, ये इसको समझ नहीं है कि मैटलैब को एक्स ऑलरेडी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर तो हम इसके अंदर फिर हमने एक मैट्रिक्स डाल दी तो मैट्रिक्स डायरेक्ट सर यहाँ पे एक्स प्लस लिखा है ना सर आपने, एक्स प्लस के बाद ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही नहीं लगा सकते सर। अच्छा फिर क्या लिखें यहाँ पे, स्टेरिक लगा दें सर, प्लस जो प्लस लिखा है सर आपने पहले एक्स प्लस ये शुरू में, इसके बाद डायरेक्ट टू वन जो जीरो से ग्रेटर होते हैं ये नहीं लिख सकते। इधर क्या लिखूं, x के आगे क्या लिखूं, x प्लस लिख दूं सर, इस x को खत्म करके डायरेक्ट डिजिट लिख लिख दें सर ऐसे। यस सर, अभी हमारे पास क्या हो रहा होगा, x की जो जितनी तमाम वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज के अंदर 2 ऐड हो रहा है, तो हमें 2 तो ऐड नहीं ना करना, हमने हमें अपनी ही आवाज़ का डिलेड वर्जन ऐड करना है इसके अंदर। मसलन के जो एक्स का एक पॉइंट था तो इसके अंदर तो बग़ैर लूप लगाए हमें तो नहीं डाल सकेंगे, एको नहीं डाल सकेंगे बग़ैर लूप लगाए, क्योंकि हमें अपनी ही आवाज़ का एको दोबारा डालना है इसके अंदर। सर या सेमी कॉलन या कॉलन यूज करके उसके साथ प्लस टू लगा रहे हैं। प्लस टू जो आप कह रहे हैं, मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ का इशू है, बेसिकली हमारी जो आवाज़ है, अब मैं जो बोल रहा हूँ जिस लम्हे में बोल रहा हूँ मैंने वो भी बोलना है और पिछली आवाज़ भी ऐड करवानी है। हाँ जी, फॉर लूप लगाना पड़ेगा इसके अंदर। चलें लेट्स इसको देखते हैं ये क्या है वो यहाँ पे। ये क्या चक्कर है, कॉपी नहीं होता क्या मैटलैब से कोड? ये तो बिल्ट इन कमांड पे चले गए हम। चलें इसको छोड़ें, हम अपना ही देख लेते हैं ये। यहाँ पर हमने करना है x of n plus x of n minus d, तो x of n यहाँ पे सीधा आ जाएगा और वो वाला x of n एक दफ़ा टेनुएशन से मल्टीप्लाई होगा और डिले से गुजरेगा।
x of 1 minus n. डिले दे दिया, अल्फा दे दिया, Hello, this is Signal and Lab. इसके अंदर अब हमने देखा क्या हुआ कि ये एक डिले 0.5 का हमने फिक्स कर दिया, एको स्ट्रेंथ 0.65 की कर दी हमने, सही होगा। ये बेसिकली हमने क्या चीजें, ए अटेन्युएशन यानी कि ए और डी, ये दो चीजें फिक्स की यहाँ पे, ए और डी, ये आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, ए और डी। जो डी है, डी क्या चीज है, डी हमारे पास है डिले स्टैटिक एफएस। एफएस हमारे पास क्या था, एफएस हमारे पास एक वैल्यू थी, वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो के जो हमने ऑडियो फाइल रीड की थी उसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकली थी वो हमारे पास एफएस आ गई। उस एफएस को हमने डिले की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया,
डिले की वैल्यू 0.5 थी, वही काम किया जो पीछे हम जो इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑडियो रीड की कमांड में एफ एस के साथ 0.5 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसने अलग से करके कर दिया अपनी आसानी के लिए देखने के लिए। अब चूंकि हमने फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप लगाने के लिए हमें पहले से y क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे पास डिलेड और ओरिजिनल दोनों वैल्यूज इकट्ठी स्टोर हो रही हो। तो y का साइज हमारे पास क्या है, y का साइज उतना होना चाहिए जितना x का साइज है, क्योंकि साइज तो सेम रहना है, जस्ट डिलेड वैल्यू उसके अंदर ऐड होती जानी है। तो ये y हमने बना ली जिसका साइज x के साइज के जितना था। उसके बाद हमने क्या किया, y का एक से लेके और d तक जितनी वैल्यूज थी उसके अंदर x, यानी कि x के अंदर जितनी वैल्यूज थी एक से लेके d तक, वो सारी हमने इन इंडेक्सेस पे स्टोर कर ली y के अंदर। उसके बाद जस्ट जो फॉर लूप लगा, फॉर लूप एग्जैक्टली वही जो लाइन है जो मैनुअल में गिवन है, y इज इक्वल टू xn प्लस ए एक्स एन माइनस डी, एग्जैक्टली वही लाइन इंप्लीमेंट होगी, xn प्लस a इंटू एक्स एन माइनस डी। एन यहाँ पर आई है क्योंकि y में हमने फॉर लूप लगाया हुआ है। अब इसको हमने जो है जब ऑडियो प्ले किया तो हमारे पास एक एकोड वर्जन आ गया। अब इसको जो डिले है इसको 0.5 की बजाय हम 0.3 करते हैं और अल्फा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, 0.7 कर देते हैं। Hello, this is Signal and Systems Lab. अब 0.07 कर दिया, 0.7 करते हैं थोड़ा सा ज्यादा। Hello, this is Signal and Systems Lab. ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास जो एकोड सिग्नल्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं किसको, वाई को प्लॉट करके देखते हैं कि तो एक्स को भी प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई दोनों को प्लॉट करते हैं। तो ये विद एको सिग्नल आपके पास आ गया। इसके अंदर आप देखेंगे जहाँ पर अब ये एक बड़ी वॉइस आई थी, इसके बाद ये एकदम आवाज़ कम हुई है, यहाँ पे इस बड़ी वॉइस के बाद फिर आगे हमारे पास वॉइसेस वो मिली हैं, क्योंकि पिछली वॉइसेस जब अकोमोलेट होके आ रही हैं तो एको के अंदर वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस तरीके के साथ जो है आप इसमें एको डाल के अपनी आवाज़ के साथ कोई चेंजिंग या इसके साथ आप खेल सकते हैं। तीसरा जो है ये इमेज सर, ये जो वॉइस की टाइमिंग है सर, ये मतलब कम ही होती है या कोई मतलब कोई 5 से 6 मिनट वाली ऑडियो भी इसमें ले सकते हैं? नहीं, आप ले लें 15 सेकंड तक की ले लें, होगा। अगर आपके पास लेट से लैपटॉप जो है वो उस पर अच्छा है, लैपटॉप है, मेरे पास कोर 2 डू है, तो ये मैं इस पर ये 10-15 सेकंड तक मैं ले लेता हूँ, वरना फिर ये है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 2-4 सेकंड मतलब जब कंप्यूट कर रहा होगा। आप बड़ा सिग्नल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, किसी को क्वेश्चन है तो वो रुक जाए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो
जा सकते हैं। हम कन्वोल्यूशन वगैरह भी करेंगे इसमें अभी आगे। हाँ जी, अगली बात कन्वोल्यूशन और कोरिलेशन की है। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।